हेलो गाइज, आपने मेरे वीडियो में अक्सर देखा होगा कि मैं कुछ दूरी पर होकर जैसे ही शॉर्ट सर्किट कराता हूँ गाइज, वहाँ पर धमाका हो जाता है गाइज। में कुछ नहीं रहता, आइडिया काफ़ी सिंपल रहता है गाइज। मैं बताने वाला सीरीज सॉरी जो शॉर्ट सर्किट है किस तरीके से बनाया जाता है गाइज। मेरे पास यहाँ पर जो है 12 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 वोल्ट की बाइक की बैटरी है गाइज। अक्सर आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि और सारा बैटरी मैं सीरीज से लगाया रहता हूँ गाइज। सीरीज से मैं सीरीज को बता दूँगा लास्ट में गाइज, पहले से बता देता हूँ गाइस। सिंपली एक हमको वायर चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक वायर का टर्मिनल हमको कहीं भी सेट, मतलब इसमें कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान नहीं रखना पड़ता, मैं एक सेट कर देता हूँ। फ्रेंड्स 12 वोल्ट की बड़ी भी बैटरी ले सकते हैं गाइज। मैंने यहाँ पर कॉपर का वायर ले रखा है गाइज, इसमें बहुत सारा पतला पतला वायर है गाइज। हमको सिंपली एक इसमें से जो वायर है पतला सा उसे निकाल देना पड़ेगा। फ्रेंड्स मैंने वहाँ पर कॉपर का वायर निकाल दिया है गाइज। हमको सिंपली जो बैटरी का वायर कनेक्ट कराया होगा उसे लास्ट वाले टर्मिनल में हमको जो रेड एंड ब्लैक गाइज दोनों में सेट कर देना पड़ेगा गाइज। कुछ इस तरीके से इसे सेट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ जो केबल आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद कुछ नहीं करना है। माचिस की तिल्ली लेनी है गाइज, उसके बता देता हूँ, उसके बीच में एक कटर से हमको कट कर लेना पड़ेगा गाइज। कुछ इस तरीके से कट करने के बाद हमको वायर जो पतला सा वायर उसमें माचिस फंसा देनी पड़ेगी गाइज। पे टेप भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं गाइज। जैसे ही जो एक टर्मिनल बचा हुआ गाइज बैटरी में कम उसे टच करूँगा माचिस जल जाएगी। और राइट गाइज देख सकते हैं जैसे कि शॉर्ट सर्किट जैसे टच करा वैसे जल गया गाइज। इसी तरीके से आपका भाई धमाका करता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि माचिस से जल गया, जाना पड़ेगा वरना केबल को जला देगा। कि बस इतना ही मतलब बाग जो रहता है सॉकेट है जो भी चीज रहता है फूल रहता है जलनशील चीज रहता है उसे जलाने में कामयाब हो जाता है, और जो चीज़ रहता है जिस प्रकार से बनाया जाता है वो चल जाता है। मेरे आपके भाई के पास कुछ यहाँ पर बैटरी कुछ बैटरी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बैटरी है बैटरी बोलती है गाइस। यहाँ पर एक बल्ब है जो 12 वोल्ट का है गाइस, मैं इसे जला के दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 वोल्ट की बाइक होती है, यहाँ पर गाइस जल जा रहा है, देखिए यहाँ पर अच्छी तरीके से टच जल जा रहा है। गाइस अगर एक बैटरी को मैं टच कराता हूँ तो गाइस में देखता हूँ जलता है तो नहीं, गाइस नहीं जलना है, जल भी नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 वोल्ट की है 12 वोल्ट की तो नहीं जल पाएगा। तो गाइज मैं इसे सीरीज से लगाता हूँ फिर देखता हूँ इसका पावर दोगुना होता है। फ्रेंड्स आइडिया इसमें काफ़ी सिंपल आता है गाइज, सीरीज पर लगाने पर जो बैटरी की पावर होती है कि ना केवल उतनी रह जाती है 3 वोल्ट गाइज इसमें दोगुनी होती है गाइज। यहाँ पर मेरे पास एक 3 वोल्ट की 3 वोल्ट की है गाइज, इन दोनों को अगर सीरीज से लगा दिए तो 6 वोल्ट पर रहती है। अगर गाइज सीरीज से नहीं लगा जाता है पॉजिटिव पॉजिटिव अगर नेगेटिव नेगेटिव रहता है तो गाइज वो 3 वोल्ट ही रहती है, कभी भी 6 वोल्ट नहीं हो सकती गाइज। इनकी आइडिया काफ़ी सिंपल, कुछ नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर जो बैटरी का जो इस वाले में इनका जो नेगेटिव है इसके पॉजिटिव में टच करना होता है। फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पर मेरे पास बचा पॉजिटिव और नेगेटिव गैस, कुछ इसी तरीके से हमको इस वाले में इन सबों को भी चेक कर लेना पड़ेगा गाइस। आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ उसमें से देख आपको समझ आ जाएगा। फ्रेंड्स हमने आपको डायग्राम भी दिखा दिया डबल गाइज, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए किस तरीके से सीरीज होता है गाइज। सीरीज पर जो बैटरी के पावर दुगनी है गाइज टू के साथ दिखा देते हैं। यहाँ पर गाइज मैंने 4 बैटरी सेट कर दी गाइज, जो मेरी बैटरी है पूरी तरीके से चार्ज नहीं है गाइज, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 बैटरी लगा दिया ताकि जो 12 वोल्ट की बन सके गाइज। यहाँ पर फिटिंग मिल सके और गाइज प्लस का है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है माइनस का गाइज, मैं चार्ज कराता हूँ गाइज। देख सकते हैं जो बल्ब जल गया 12 वोल्ट का हो गया, इसमें शॉर्ट सर्किट बना सकता हूँ गाइज। जैसे कि आप वीडियो में देखे हुए गाइज, आपका भाई कुछ यहाँ पर रहता है वहाँ पर शॉर्ट सर्किट कराता है गाइज, जो रॉकेट था गाइज चल गया था गाइज। आप आई बटन में जो मैंने एक रॉकेट बनाया हुआ था वो भी शॉर्ट सर्किट मिल गया, आपको ऊपर जाकर देख सकते हैं गाइज। वीडियो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगे, लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। आपको छोटे भाई का चैनल सम्मानित क्या बात है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज जय हिंद जय भारत।